रॉयल्स बैंगलोर एक ऐसी टीम है जिसे अब तक मनचाही कामयाबी हासिल नहीं हुई है। टाटा आईपीएल 2022 में बैंगलोर टीम न सिर्फ नए जोश के साथ उतरेगी बल्कि टीम की कमान भी नए कप्तान के हाथों में होगी। देखना होगा कि क्या फाफ डुप्लेसी अपनी कप्तानी में आरसीबी को ट्रॉफी दिलाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। आरसीबी ने अपनी टीम में काफी फेर बदल दिया है। फाफ डुप्लेसी, जॉश हेजलवुड और दिनेश कार्तिक जैसे बड़े नामों को अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। ऑक्शन के दौरान सिर्फ आरसीबी ही एक ऐसी टीम थी जिसने एक से ज्यादा खिलाड़ियों पर 10 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए। हर्षल पटेल को वापस अपनी टीम में जोड़ने के लिए बैंगलोर ने 11.25 करोड़ रुपए अपने पर्स से निकाल दिए। वहीं श्रीलंकाई लेग स्पिनर वनिंदु हसरंगा को भी उन्होंने इतनी ही बड़ी रकम यानी 11.25 करोड़ रुपए देकर अपने खेमे में शामिल कर लिया। इनके अलावा बैंगलोर शाहबाज अहमद और महिपाल लोमरोड जैसे भारतीय खिलाड़ियों को बहुत ही किफायती दामों में अपनी टीम से जोड़ने में कामयाब रही। विराट कोहली ने आरसीबी की कप्तानी को अलविदा कह दिया है। इसका मतलब है कि इस बार वो बिना किसी दबाव के बेखौफ खेलते हुए दिखाई देंगे। वहीं ग्लेन मैक्सवेल से एक बार फिर आक्रामक बल्लेबाजी की उम्मीद होगी। पर इस सीजन जो एक चीज आरसीबी को खतरनाक बनाती है वो है उनकी तेज गेंदबाजी। मोहम्मद सिराज और हर्षल पटेल का साथ देने के लिए हेजलवुड की हुई है टीम में एंट्री। ऐसे में इस तिकड़ी से पार पाना बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होगा। हर्षल पटेल ने पिछले सीजन में सबसे ज्यादा विकेट चटकाकर पर्पल कैप अपने नाम की थी। ऐसे में ऑक्शन में पटेल को वापस अपनी टीम का हिस्सा बनाना बैंगलोर की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। पिछले सीजन हर्षल पटेल ने अपनी गेंदबाजी से ऐसा कहर बरपाया कि 32 विकेट अपनी झोली में डाल लिए। इसके साथ ही एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट झटकने के ड्वेन ब्रावो के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली। फाफ डुप्लेसी भले ही 37 साल के हो गए हों पर उनके बल्ले ने अभी भी बोलना बंद नहीं किया है। एबी डिविलियर्स के जाने के बाद आरसीबी की बल्लेबाजी को मजबूती देने की जिम्मेदारी डुप्लेसी के कंधों पर होगी। पिछले सीजन चेन्नई सुपर किंग्स को चैंपियन बनाने में फाफ की बल्लेबाजी का बहुत बड़ा योगदान था। पिछले सीजन 16 मुकाबलों में 633 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन जोड़ने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में फाफ दूसरे नंबर पर रहे। यही नहीं, फाइनल मैच में 59 गेंदों पर 86 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर मैन ऑफ द मैच का खिताब भी अपने नाम किया। आरसीबी इस बार दमदार टीम लग रही है, पर इससे पहले भी कई बार पेपर पर ये टीम मजबूत दिखाई दी है, लेकिन इस बार कप्तान नया है। ऐसे में अगर किस्मत उनके साथ रही तो वो प्लेऑफ में पहुंचने की प्रबल दावेदार है।